एमपी भवन की गुणवत्ता पर सवाल, आवास आयुक्त पंकज राग ने सवाल उठाए हैं। सरकार ने जांच के लिए बनाई कमेटी, 4 सदस्यों की कमेटी गुणवत्ता की करेगी जांच। दिल्ली के नव निर्मित मध्य प्रदेश भवन की गुणवत्ता पर सवाल उठने के बाद सचिव मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग के आदेश पर एक जांच टीम का गठन किया गया है। जांच टीम का गठन प्रदेश के आवास आयुक्त पंकज राग की चिट्ठी लिखे जाने के बाद किया गया है। पंकज राग ने प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश सरकार लोक निर्माण विभाग और मंत्रालय को पत्र लिखा था, जिसमें शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत एनबीसीसी द्वारा कराए गए निर्माण की गुणवत्ता को लेकर कई खामियां उजागर की थी। उनके द्वारा पत्र लिखने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी जांच के लिए आर के मेहरा सचिव लोक निर्माण विभाग अध्यक्ष और गुणवत्ता नियंत्रण सेल की अध्यक्षता में 4 सदस्यों की कमेटी का गठन किया है। आपको बता दें कि आवास आयुक्त पंकज राग द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि नव निर्मित मध्य प्रदेश भवन निर्माण परियोजना में शासन द्वारा एनबीसीसी को निर्माण एजेंसी रखा गया था। परियोजना में एनबीसीसी को भवन निर्माण का कार्य के सुपरविजन तथा टीएमसी संबंधी सेवाओं हेतु 89% सर्विस चार्ज देना सुनिश्चित किया गया था। एनबीसीसी के द्वारा कार्यों का सुपरविजन के साथ समस्त निर्माण को निर्धारित मापदंडों के अनुसार पाए जाने का सत्यापन किया गया, लेकिन पंकज राग की चिट्ठी के बाद सरकार ने मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है।